हम पढ़ेंगे हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी में पहले बहुत से स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम दो नए स्वर और पढ़ेंगे। तो पहले हम पुराने स्वरों को दोहराएंगे और उसके बाद नए स्वरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्वर जो आप सभी जानते हैं कौन सा है? अ अनार, अ अचकन, अ अदरक और अ अजगर। आपको कोई भी दो या तीन शब्द याद करने हैं हर स्वर से। आ आम, आ आटा, आ आलू, आ आग। इसके बाद ई इमली, ई इमारत, ई इलायची। ई के बाद क्या आता है? ई ईद, ई ईट। ईट देखिए ना आपने, ई ईसा मसीह। उसके बाद उ उल्लू, ये उल्लू है ना, उ उल्लू, उ उपवन, ये उपवन, उ उपहार। इस तरीके से उ। अब आता है ऊ ऊन, फिर से ऊ ऊन, ऊ ऊंट, ऊ ऊर्जा, री ऋषि, री ऋषभ, री ऋग्वेद, ये है ऋग्वेद। उसके बाद ए एड़ी, ए एड़ी। इसके बाद ए एक, ए एक तारा, ए एक दंत, ये एक दंत है ना। और उसके बाद ए एनक, ए एवरेस्ट, ये है एवरेस्ट। और ए एरावत, एरावत। और जो आज हम नया स्वर पढ़ेंगे वो है ओ ओखली, ओ ओरनी। अपनी मम्मा को बोलेंगे, ओरनी दिखाएंगे आपको। ओ ओट, ओ ओस, ये ओस है ना। और अब ओ औरत, ओ औरत, ओ औजार, ये सब औजार हैं। ओ औषधि, ये सारी औषधियां हैं। और ये ओ औलाद, ओ औलाद। तो इस तरीके से हम ये सारे स्वर याद करेंगे और हर स्वर से दो या तीन शब्द को भी साथ में याद करेंगे। शुक्रिया बच्चों।